अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरे शहर को सजाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। शहर को सुंदर बनाने और आने जाने वाले लोगों को दिव्य अनुभव देने के लिए यहां के लोग और सरकारी अधिकारी एकजुट हो गए हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर तक जाने वाली 3 मुख्य सड़कों रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर दुकानों और घरों को एक स्वरूप में विकसित किया है। इमारतों की बाहरी दीवारों के रंग में एक रूपता के साथ साथ दुकानों के शटर पर भी भगवान राम से जुड़े चित्रों को बनाया गया है। अयोध्या के लोगों का मानना है कि ये पहल शहर की सुंदरता को बढ़ाएगी और शहर में आने वाले भक्तों को एक अलग ही अनुभव देगी। मंदिर तक जाने वाली सड़कों को एक जैसा लुक देने का काम पूरा होने में लगभग 2 महीने लगे हैं। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। जब ये रामपथ का निर्माण चालू हुआ तो रोड वाइडनिंग जब की गई तो बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे घरों को हम लोगों ने परचेज किया, एक्वायर किया और वहाँ पे फिर डिमोलिशंस किए, जिसके बाद अब उसको रीडेवलप करने की बात आई। तो ये एहसास हम लोग को हुआ कि अगर हम लोग इनको छोड़ देंगे और अगर प्रॉपर्टी ओनर्स को स्वयं स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो उसको रीडेवलप करें तो बहुत ही बेतरतीब ढंग से बनाने की संभावना रहेगी और उसको एक जो हम यूनिफॉर्मिटी चाहते थे वो नहीं आएगी और जो सुंदर शहर दिख सकता है वो नहीं दिखेगा। जो ये चिन्ह है ये हमारे जो राम भगवान है उनसे जुड़ा हुआ ये चीज है और इससे हम लोगों को जब अयोध्या में एंटर करते हैं तो हमें अलग फीलिंग देता है कि हम आप राममय मतलब अयोध्या पहुंचने से पहले वो फीलिंग आ जाती है कि हम अयोध्या में आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, इसलिए वो देखने में भी अच्छा लगता है और ये भक्तिमय हो जाता है अंदर जाने से पहले। इतना अच्छा कार्य किसी ने किया नहीं, साफ सफाई व्यवस्था। अब मंदिर बनने के बाद तो बहुत से लोग बाहर से भी आएंगे और हमारी अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में सब देख रहे हैं। हमारे श्री राम जी अपने रहते रहे, मतलब इस टाइम पर रहे होंगे, उस टाइप का नजारा है, जैसे एक दिवाली जैसा माहौल होगा 22 जनवरी को, उस तरीके का नजारा है।